हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम, मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। आज ब्रेकफास्ट में पास्ता बनेगा क्योंकि आयुष को पास्ता खाना था। यहाँ पे आयुष को बोला मैंने सॉस की बोतल लाने के लिए। गाइस ये मेरी सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो क्या आप लोगों ने देखा, आप लोगों को कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने पास्ता को बॉयल करके रख लिया है। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई को थोड़ा सा गरम कर लिया है। गरम करने के बाद उसमें मैंने डाला है तेल, तेल डाल के थोड़ा सा डाला है जीरा। जीरा डाल के मैं यहाँ पे मिर्ची नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को खाना है, मिर्च डालूंगी तो बच्चों को फिर खाएंगे नहीं। छोटा का खाना है, छोटा वाला बेटा मेरा मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिर्च नहीं डालती हूँ। बस आप मिर्च डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्च डाला है, शिमला मिर्च टमाटर डाल के मैंने ढक दिया है थोड़ा सा पकने के लिए। आप यहाँ पे और भी कोई सब्जी डाल सकते हैं, मैं खाली शिमला मिर्च डाल के ही बना रही हूँ। शिमला मिर्च मेरा थोड़ा सा पक गया है, अब उसमें हम डाल देंगे पास्ता। पास्ता डालने के बाद अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉस। और भी सब्जी आप डाल सकते हैं बट इसमें मैंने खाली शिमला मिर्च डाला है क्योंकि अभी मेरे पास खाली शिमला मिर्च फ्रीज में पड़ा था। इसमें आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, जो एज यू विश जो आपको अच्छा लगता है वो सारी सब्जियाँ डाल के बना सकते हैं आप। ये हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया, मैं इसको 2 मिनट और पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया है, अब मैं इसको सर्व कर दूंगी खाने के लिए। तो गाइज हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया है, अब आयुष इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके बताएगा कैसा बना हुआ है। आयुष आप इसको टेस्ट करो और बताओ कैसा बना हुआ है। तो गाइज मैंने आयुष से पूछा, आयुष पास्ता कैसा बना है बेटा? तो बोला मामा पास्ता बहुत मस्त बना है। तो यहाँ पे बच्चे आज करने वाले हैं कुछ पार्टी क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ आई हुई है, ये उनकी बेटी है, इसका नाम साधना है। इन लोगों ने बोला मामी आज हमें पार्टी करनी है, आज हम आए हुए हैं, आज हम तीनों का बर्थडे है। तो फिर केक कहीं नहीं मिल रहा था, मैंने कहा मैं घर पे केक बना देती हूँ, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं मुझे घर का केक नहीं खाना है, मुझे मार्केट से केक लाना है। लॉकडाउन चल रहा था इसलिए कहीं भी कोई भी मार्केट नहीं खुली हुई थी। मैंने जहाँ से हम बेकरी की शॉप पे मैंने फ़ोन किया, बोले भैया नहीं शॉप नहीं खुली हुई, तो ऑनलाइन लोगों ने ज़बरदस्ती ऑनलाइन बुक करके केक बनाए। देखिए कैसे ये लोग पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, इसका नाम साधना है, बट इसको हम प्यार से छोटू छोटू बुलाते हैं। देखिए कैसे सब पार्टी कर रहे हैं। सो गाइस इन लोग की यह पार्टी चल रही है, क्या करें, ये लॉकडाउन ऐसा टाइम चल रहा है कि बच्चे बोर हो जाते हैं, तो बच्चों को कुछ ना कुछ इन्जॉयमेंट करने के लिए ऐसा घर में कुछ कर दें जिससे बच्चे खुश हो जाएं, तो इसलिए फ़िलहाल यही कर। साथ में बैठी हुई हैं मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी सासू मामा बैठी हुई हैं, वो उनसे पूछ रही है, छोटू उनसे पूछ रही है कि नानी आप भी केक खाओगे? उन्होंने बोला नहीं क्योंकि दादी उसकी नानी अभी काढ़ा पी रही हैं, आजकल काढ़ा बहुत ज़रूरी है, तो हमारे घर में सब डेली दोनों टाइम काढ़ा पी रहे हैं। तो मम्मी काढ़ा पी रही थी, बोली नहीं मुझे अभी नहीं खाना है, तुम लोग अभी पार्टी कर लो फिर मैं बाद में खा लूँगी केक अभी। गाइज अभी लोग करेंगे यहाँ पे पार्टी, अब देखिए पार्टी में छोटू करेगी डांस। ये देखिए ये मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, बोली मैं भी डांस करूँगी, तो वो भी डांस करने का प्रयास कर रही है। आयुष कभी डांस नहीं करता बट आज आयुष भी डांस कर रहा है, देखिए कैसे डांस कर रहे हैं सब। इन लोग का डांस देखिए, मैंने सॉन्ग इसलिए नहीं डाला क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, बट ये लोग जो गाना डांस कर रहे हैं वो गाना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
देखिए कार्तिक भी आ गया, वो छुप छुप के डांस कर रहा है, उसको डांस करने नहीं आता, वो खाली कूद कूद के डांस करता है। देखिए ऐसे कूद रहा है, ऐसे लग रहा है बॉक्सिंग लड़ने जा रहा है, ये बॉक्सिंग लड़ लड़के डांस करता है। गाइस मैं वीडियो भी यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने को मिले। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।